गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टूडे टॉपिक इज़ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे आज हम। अब तक हमने उसके मतलब पेप्टिक अल्सर क्या होता है वो इन शॉर्ट समझ लिया, उसके कैसे कैसे कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या बॉडी में दिखते हैं वो पढ़ लिया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि किन किन वजह से उसके और डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं बॉडी में पेप्टिक अल्सर की वजह से। देन अब आपका उसका जो मेन पॉइंट है वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब पेप्टिक अल्सर कैसे बॉडी में डेवलप हुआ, उसके हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी गैस्ट्रिक की वो कैसे अल्टर हुई कि पेप्टिक अल्सर हो गया। ठीक है, तो उसमें स्टडी करेंगे। द नॉर्मल स्टोमक मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेशन ब्लड फ्लो एंड एग्रेसिव फैक्टर्स। इसमें क्या है, जनरली हमारा जो नॉर्मल बैलेंस है मतलब हमारा जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है स्टोमक में, जैसे कि एसिडिटी और बेसिसिटी का जो बिल्कुल मेंटेन रहता है बैलेंस, इट इज़ कॉल्ड एज बफर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। तो उस वाले में क्या होता है बफर वाली कंडीशन में कि हमारी बॉडी में ना तो एसिडिटी ज़्यादा होती है ना बेसिसिटी ज़्यादा होती है। बट इसमें क्या होता है कि जो अगर पेप्टिक अल्सर में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी जो हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस, ठीक है, उसमें सोर्स हो जाएंगे, तो क्या करेगा बैलेंस जो स्टोमक है को बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा इसमें एसिडिटी में, ठीक है, ओबेसिसिटी में। देन इन दिस डिसीज डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्टर्ब। हमारी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म की सच एज जैसे कि आप आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है आपके WBC जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, देन उसको फिर हमारी बॉडी को उससे बचाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में जो भी बाहर से जैसे कि अभी हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी भी कुछ अपना मैकेनिज्म शो करती है उससे लड़ने के लिए, तो बट क्या होता है इस वाले केस में वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अग्रेसिव फैक्टर्स सच एज नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन आर रेस्पॉन्सिबल टू केस द पेप्टिक अल्सर। ये वाले जो इस कैटेगरी के ड्रग्स हैं, ठीक है, इस कैटेगरी के ड्रग्स में सच एज एस्प्रिन, ठीक है, ये जो आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन है ये आपके रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ये सीधे टारगेट करते हैं आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आपकी पेप्टिक अल्सर हो ही जाएगा, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म क्या करती है वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। गैस्ट्रिक म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेशन बाय गैस्ट्रिक म्यूकस सेल्स, ठीक है, ये आपकी होगी डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है वो मैंने यहाँ दो पॉइंट्स में लिखा है, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकस है, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेशन, म्यूकस सेल से बाइकार्बोनेट सीक्रेशन होता रहता है, अगर हमें ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा उसको बैलेंस करेगा, मतलब बफर सिस्टम कॉज बफर का वाला वो करेगा, तो उस वजह से क्या होगा एसिडिटी नहीं हो पाएगी ज़्यादा। प्रेजेंस ऑफ टाइट जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम। इसमें क्या होगा जो आपका ड्यूडेनम वाला अल्सर था और गैस्ट्रिक वाला अल्सर था वो नहीं होगा, क्योंकि टाइट जंक्शन क्रिएट हो जाएगा एपिथेलियल सेल का, एपिथेलियल सेल्स का टाइट जंक्शन क्रिएट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा जैसे आपके नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसकी कैटेगरी में आपका एस्प्रिन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे उन वाले जो सेल्स हैं एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब ये तो हम सब जानते हैं जैसे हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग जाता है तो वो ADME प्रोसेस के थ्रू जाता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन देन मेटाबॉलिज्म देन एक्सक्रीशन, ठीक है, एलिमिनेशन, तो ये पूरा प्रोसेस होता है तब जाके वो वाला ड्रग बॉडी में वर्क करता है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, एपिथेलियल सेल से तब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो वो ड्रग अपना एक्शन शो नहीं करेगी, क्योंकि एक्शन शो नहीं करेगी तो ना वो होल्स क्रिएट कर पाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पे क्या होगा टाइट जंक्शन क्रिएट हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स का, जिसकी वजह से वो जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी वाले ड्रग्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। और यहाँ पे क्या होगा गैस्ट्रिक म्यूकस बाइकार्बोनेट ये कैसे आपका डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट सीक्रेशन हो जाएगा, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट सीक्रेशन हो जाएगा म्यूकस सेल से, जिसकी वजह से वो एज अ बफर सिस्टम कॉज कर देगा। तो ये जनरली आपके नॉर्मल मैकेनिज्म है किसकी पेप्टिक अल्सर की। दूसरा भी इसका ट्रीटमेंट है, दूसरा ट्रीटमेंट इसका है कि वो क्रोनिक वाले केस में हो सकता है कि हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे दें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर ये होते हैं कि जैसे कि
आपके जो SCL बनता है, ठीक है, SCL को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, SCL को ब्रेक डाउन करेंगे हम तो हमारा H और हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन होगा। तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन बनाती है वो आपकी है प्रोटोन पम्प, ठीक है। प्रोटोन पम्प जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा सीक्रेट कर देती है तो उस केस में SCL की अमाउंट बढ़ जाती है, तो इसीलिए प्रोटोन पम्प इनहिबिटर भी, प्रोटोन पम्प जो हमारी है उसको इनहिबिट करके भी हम पेप्टिक अल्सर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये एनोदर इसकी मैकेनिज्म है, वो हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे अभी, इन शॉर्ट हम इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे।